आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अगर अपने बर्तनों को धोते परेशान हैं, आपके बर्तन चमकते नहीं हैं, तो आपको मैं ऐसे एक साबुन बताऊंगी जो कि आपके सारे बर्तनों को चमका देगा, एकदम न्यू जैसा बना देगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साबुनों के नाम नहीं बोलूँगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब बहुत ही साबुन अवेलेबल है मार्केट में, और उनको धोने के बाद क्या होता है कि वो बर्तनों पर वाइट वाइट निशान छोड़ जाते हैं, फिर उनको पोंछना पड़ता है, फिर उनको यूज़ करना पड़ता है। मगर ये जो साबुन है ये बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा साबुन है। तो फ्रेंड्स, वो साबुन है ये पतंजलि का सुपर डिश वॉश पॉर। ये जो साबुन है पतंजलि का, फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा साबुन है, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके बर्तनों को चमका देगा, बिल्कुल न्यू जैसा बना देगा। और मैं कोई पतंजलि, कई लोग बोलते हैं पतंजलि से कुछ कांटेक्ट होगा या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं, लेकिन ये जो पतंजलि का साबुन है रियल में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये राख और नींबू से बना होता है जो कि आपके बर्तनों को चमकाने में बहुत मदद करता है। और इसको धोने के बाद एक मुझे अच्छी बात लगती है कि बर्तनों पर वाइट वाइट निशान नहीं पड़ते हैं। तो ये जो साबुन है ये 10 रुपीज़ का आता है, मैं भी आपको बता देती हूँ। ये 175 ग्राम का है और ये 10 रुपीज़ का आता है, और ये जल्दी गलता भी नहीं है, और आप इसको इजीली से बहुत अच्छे तरीके से अपने बर्तनों को इससे साफ़ कर सकते हैं। बर्तनों में जो जर्म रह जाते हैं इससे वो भी साफ़ हो जाते हैं, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी है, ना कि ज़्यादा ओवर है ना ज़्यादा कम है, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।